एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बडी। आज हम करेंगे हमारी क्लास सेवन्थ का थर्ड चैप्टर विच इज़ फाइबर टू फैब्रिक। हम इस पूरे चैप्टर में धागा बनने से लेके कपड़ा बनने तक का पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे कि हमें वो धागा कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है और कैसे उसको कपड़े में बदला जाता है। वो सारा कुछ आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इन क्लास सिक्स यू हैव लर्नड अबाउट सम फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। आप क्लास सिक्स में पढ़ चुके हैं ऐसे फाइबर्स के बारे में जो हमें प्लांट से मिलते हैं। यू ऑल्सो लर्न दैट वुल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। आपने ये भी पढ़ा होगा कि वुल और सिल्क यानी कि ऊन और रेशम हमें कहाँ से मिलते हैं, एनिमल से मिलते हैं। वुल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस हेयर ऑफ शीप और याक। जो वुल होती है वो हमें कहाँ से मिलती है, फ्लीस यानी कि बालों से, किसके, शिप और याक के बालों से मिलती है। सिल्क फाइबर्स कम फ्रॉम कुकून्स ऑफ द सिल्क मोथ। जो सिल्क फाइबर्स हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं, कुकून से मिलते हैं। वो कुकून किसके होते हैं, सिल्क मोथ के। डू यू नो विच पार्ट ऑफ द शिप्स बॉडी यील्ड्स फाइबर्स। क्या आपको पता है कि जो शिप की बॉडी का कौन सा पार्ट हमें फाइबर देता है। आर यू अवेयर हाउ दिस फाइबर्स आर कन्वर्टेड इन टू द वुलन यार्न दैट वी बाय फ्रॉम मार्केट टू नीट स्वेटर्स। क्या आपको पता है कि वो फाइबर्स कैसे वुलन यार्न में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं और हम उनको मार्केट्स में से खरीदते हैं, क्या करने के लिए, स्वेटर्स बनाने के लिए। डू यू हैव एनी आइडिया हाउ सिल्क फाइबर्स आर मेड इन टू सिल्क विच इज़ वोवन इन टू साड़ीज। क्या आपको पता है कि जो हमारे सिल्क फाइबर्स होते हैं वो कैसे सिल्क में बदल दिए जाते हैं और कैसे उनसे हमारी सिल्क की साड़ियाँ बना दी जाती हैं। इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू फाइंड आंसर्स टू दिस क्वेश्चन। इस पूरे चैप्टर में हम इन सारे जवाबों के आंसर ढूंढेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा एनिमल फाइबर्स, जिसमें हम पढ़ेंगे वुल और सिल्क के बारे में। तो सबसे पहले आता है वुल। वुल कम्स फ्रॉम शिप, गोट, याक एंड सम अदर एनिमल्स। तो वुल हमें कहाँ से मिलता है, शिप से, गोट से, याक से या दूसरे जानवरों से। दीज वुल यील्डिंग एनिमल्स बियर हेयर ऑन देयर बॉडी। तो जहाँ से हमें ये ऊन मिलती है तो उन जानवरों की बॉडी पे हेयर होते हैं। डू यू नो वाई दिस एनिमल्स हैव ए थिक कोट ऑफ हेयर। क्या आप जानते हैं कि इन एनिमल्स के पास इतनी मोटी परत की होती है बालों की। हेयर ट्रैप ए लॉट ऑफ एयर। जो हेयर है उसके अंदर क्या होती है, ढेर सारी हवा भरी होती है। एयर इज़ ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो जो हमारी एयर है यानी कि हवा है वो क्या है, हीट की पुअर कंडक्टर है, यानी कि वो हीट को अपने अंदर घुसने नहीं देती। एज यू वुड लर्न इन चैप्टर फोर। तो आप इसके बारे में हमारे चैप्टर फोर में पढ़ेंगे। सो हेयर कीप्स दिस एनिमल्स वॉर्म। तो इसीलिए जो उनके बाल होते हैं उन जानवरों को गर्म रखते हैं। वुल इज़ डिराइव्ड फ्रॉम दिस हेयरी फाइबर्स। तो इन्हीं हेयरी फाइबर्स से हमें वुल मिलती है। तब हम पढ़ते हैं एक्टिविटी 3.1। फील द हेयर ऑन योर बॉडी एंड आर्म्स एंड दोज ऑन योर हेड। अब आपको क्या करना है, आपको अपने बॉडी के बालों को, आर्म्स के बालों को और अपने सिर के बालों को छू के देखना है। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस। क्या आपको कोई डिफरेंस दिखाई देता है। विच वन सीम्स कोर्स एंड विच वन इज सॉफ्ट। तो कौन से बाल आपको खुरदरे दिखे और कौन से सॉफ्ट दिखे। लाइक अस, हमारी तरह, द हेयरी स्किन ऑफ द शिप हैज़ टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स दैट फॉर्म इट्स फ्लीस। तो हमारी तरह भेड़ बकरियों के पास भी दो तरह के बाल होते हैं, द कोर्स ब्रीड हेयर, जो उनके खुरदरे मोटे बाल होते हैं, एंड द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन। और जो बिल्कुल स्किन के पास उनके जो छोटे छोटे बाल होते हैं वो क्या होते हैं, मुलायम होते हैं। द फाइन हेयर प्रोवाइड द फाइबर्स फॉर मेकिंग वुल। तो यही छोटे छोटे और जो सॉफ्ट बाल होते हैं इन्हीं से हम वुल बनाते हैं। सम ब्रीड्स ऑफ शिप प्रोसेस ओनली फाइन अंडर हेयर। कुछ ब्रीड्स ऐसी होती हैं शिप की जिनके पास सिर्फ छोटे छोटे और सॉफ्ट बाल होते हैं। तो ऐसे बालों को, ऐसे छोटे छोटे बालों वाली भेड़ों को कौन जन्म देते हैं, सेलेक्टिव पेरेंट्स।
Their parents are specially chosen to give birth to sheep which have only soft under hair. तो जो इनके पेरेंट्स होते हैं वो ऐसे पेरेंट्स चूज़ किए जाते हैं जिनके पास सिर्फ सॉफ्ट बाल हों, तो ऐसे सॉफ्ट बालों वाले पेरेंट्स सॉफ्ट बालों वाले बच्चे को ही जन्म देते हैं. This process of selecting parents for obtaining special characters in their offspring such as soft under hair in sheep is termed selective breeding. तो ये वो प्रोसेस है जिसमें हम ऐसे पेरेंट्स को सेलेक्ट करते हैं जो अपने बच्चे को एक स्पेशल कैरेक्टर वाले बच्चे को जन्म दे सके. जैसे कि हमें सॉफ्ट बाल चाहिए तो हमें सॉफ्ट अंडर हेयर इन शिप, ऐसे ही बाल वाले शिप जन्म देंगी. कौन देंगे? सेलेक्टिव ब्रीडिंग वाले पेरेंट्स जिनको हम चुन सकते हैं. अब पढ़ते हैं एनिमल्स दैट यील्ड वुल. अब ऐसे एनिमल्स के बारे में जो वुल देते हैं. सेवरल ब्रीड्स ऑफ शिप आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री. तो हमारी कंट्री में ऐसी अलग अलग तरह की ब्रीड्स हैं शिप्स की जो हमारी अलग अलग पार्ट में मिलती है. हावेवर द फ्लीस ऑफ शिप इज़ नॉट द ओनली सोर्स ऑफ वूल. जो हमारी शिप की फ्लीस है यानी कि हेयर हैं, सिर्फ वही हमारे वूल के सोर्स नहीं हैं. तो वूल कॉमनली अवेलेबल इन द मार्केट इज़ शिप वूल. तो जो हमारी मार्केट में सबसे ज़्यादा मिलती है वो क्या मिलती है? शिप वूल मिलती है. याक वूल इज़ कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख. तो जो याक की वूल है वो सबसे ज़्यादा कहाँ मिलती है? तिब्बत और लद्दाख में. मोहेर इज़ ऑब्टेन फ्रॉम अंगोरा गोट्स. और जो मोहेर है वो कहाँ से मिलती है हमें? अंगोरा गोट से मिलती है. फाउंड इन हिली रीजन सच एज जम्मू एंड कश्मीर. तो ये हमें जम्मू और कश्मीर की पहाड़ियों में देखने को मिलती है. वूल इज़ ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम गोट हेयर. और वूल हमें कहाँ से मिल सकती है? गोट हेयर यानी कि बकरियों के बालों से भी मिल सकती है. द अंडर फर ऑफ कश्मीरी गोट इज़ सॉफ्ट. तो जो कश्मीरी गोट होती है उनके जो अंदर के छोटे छोटे बाल होते हैं वो भी क्या होते हैं? सबसे सॉफ्ट होते हैं. इट इज़ वोवन इन टू फाइन शॉल्स कॉल्ड पश्मीना शॉल्स. तो उनके छोटे छोटे बालों का इस्तेमाल क्या बनाने के लिए किया जाता है? शॉल बनाने के लिए किया जाता है, जिसे हम पश्मीना शॉल कहते हैं. द फर या हेयर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल्स इज़ ऑल्सो यूज एज वुल. जो कैमल्स यानी कि ऊँट होते हैं उनके बाल भी वुल बनाने के काम आते हैं. लामा एंड एल्पका फाउंड इन साउथ अमेरिका ऑल्सो यील्ड वुल. तो जो लामा और एल्पका है वो कहाँ मिलती है हमें? साउथ अमेरिका में मिलती है और वो भी क्या देती है हमें? वुल देती हैं. अब पढ़ते हैं हम एक्टिविटी 3.2. कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स हुज एयर इज़ यूज्ड एज वुल. आपको ऐसे एनिमल्स की पिक्चर कलेक्ट करनी है जिनकी वुल हमें मिलती है. स्टिक देम इन योर स्क्रैप बुक. और उनके पिक्चर्स को अपनी स्क्रैप बुक में चिपकाना है. इफ़ यू आर अनेबल टू गेट पिक्चर्स. अगर आपको वो पिक्चर्स नहीं मिलती, ट्राई एंड ड्रॉ देम फ्रॉम द वंस गिवन इन दिस बुक. तो इन बुक में जो आपको एनिमल्स की पिक्चर दी गई है उनको देख के आपको ड्रॉ करनी है. फाइंड आउट वर्ड्स फॉर शिप गोट कैमल एंड याक इन योर लोकल लैंग्वेजेस एंड ऑल्सो इन अदर लैंग्वेजेस ऑफ कंट्री. और इन सारे जानवरों को आप अपनी लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं या अदर पार्ट्स ऑफ कंट्री में क्या कहते हैं, उन सब के नाम लिखने हैं. नेक्स्ट एक्टिविटी है 3.3. प्रोक्योर आउटलाइन मैप्स ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड. आपको इंडिया और वर्ल्ड के मैप्स पे आउटलाइन बनानी है. फाइंड आउट एंड मार्क द प्लेसेस ऑन द मैप वेयर यू फाइंड एनिमल्स. आपको ऐसी जगह को मार्क करना है जहाँ पे आपको ऐसे एनिमल्स मिलते हैं जिनसे हमें वूल मिलती है. यूज़ डिफरेंट कलर्स टू डिनोट द लोकेशन फॉर डिफरेंट वूल यील्डिंग एनिमल्स. और जहाँ जहाँ उनकी लोकेशन है उन अलग अलग तरह की एनिमल्स की, उन सबको अलग अलग कलर से डिनोट करना है. तो इस पिक्चर में हमको अलग अलग तरह के एनिमल्स दिए गए हैं, जैसे याक, कैमल, लेमा, एल्पका. ये सारे ऐसे जानवर हैं जिनसे हमें वुल मिलती है. अब हम पढ़ेंगे फ्रॉम फाइबर्स टू वुल. अब हमें फाइबर्स तो पता चल गए हमें कहाँ से मिलते हैं, भेड़ बकरियों से, ऊँट से या गोट से. अब उन फाइबर्स से वुल कैसे बनती है वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. फॉर ऑब्टेनिंग वूल शिप आर रियर्ड. वूल बनाने के लिए शिप को रियर्ड यानी कि पालना पड़ता है. देयर हेयर इज कट. उनके बाल काटे जाते हैं.
एंड प्रोसेस्ड इनटू वूल, और फिर उनको वूल में बदल दिया जाता है। लेट अस लर्न अबाउट दिस प्रोसेस, अब हम इस प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शिप, शिप को पालना और उनको ब्रीड करवाना। इफ़ यू ट्रैवल टू हिल्स इन जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और द प्लेन्स ऑफ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात, अगर आप कभी इन सारी पहाड़ी इलाकों में घूमने गए हो, यू कैन सी शेपर्ड्स टेकिंग देयर हर्ड्स फॉर ऑफ शेप फॉर ग्रेजिंग। तो आपने वहाँ पर भेड़ बकरी चराने वालों को देखा होगा कि वो अपनी भेड़ बकरियों को बाहर चराने लेके जाते हैं। शिप आर हर्बीवोर्स, शिप क्या होती हैं, हर्बीवोर्स होती हैं। एंड प्रेफर ग्रास एंड लीव्स, क्यों होती है हर्बीवोर्स, क्योंकि वो घास और पत्ते खाना पसंद करती हैं। अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग शिप, भेड़ बकरियों को चराने के अलावा, रियरिट्स आल्सो फीड देम ऑन ए मिक्सचर ऑफ, तो जो रियर्स होते हैं यानी कि जो पालन पोषण करने वाले होते हैं, वो भेड़ बकरियों को और क्या क्या खिलाते हैं, मिक्सचर ऑफ पल्सिस, कॉर्न, ज्वार, ऑयल केक्स, मटीरियल लेफ्ट आफ्टर टेकिंग आउट ऑल फ्रॉम सीड्स एंड मिनरल्स। तो ये एक तरह का मिक्सचर होता है जिसमें दाल, मक्का, ज्वार, ऑयल केक्स, ये सारी चीज़ें मिलाई जाती हैं और उनको खिलाई जाती हैं। इन विंटर, सर्दियों में, शिप आर केप्ट इंडोर्स एंड फेड ऑन लीव्स, ग्रेन एंड ड्राई फोडर। सो सर्दियों में क्या होता है, शिप्स को अंदर रखा जाता है और उनको सिर्फ पत्तियाँ, दाने या अनाज या फिर सूखा चारा खिलाया जाता है। शिप आर रियर्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री फॉर वूल, शिप को हमारे कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में पाला जाता है, किस लिए, वूल के लिए। टेबल 3.1, इस टेबल में हमारे अलग अलग तरह के शिप की ब्रीड दी गई हैं, उनके उनसे कैसी तरह की वूल मिलती है और कहाँ कौन कौन सी स्टेट में हमें देखने को मिलती है, वो सारा इस टेबल में दिया गया है। द क्वालिटी एंड टेक्सचर ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम देम इज ऑल्सो इंडिकेटेड इन द टेबल, तो जो क्वालिटी है, कैसी क्वालिटी की वूल मिलती है, वो सारा कुछ भी हमें इस टेबल में दिखाया गया है। सर्टेन ब्रीड्स ऑफ शिप हैव थिक कोट ऑफ हेयर ऑन देयर बॉडी विच यील्ड्स गुड क्वालिटी वूल इन लार्ज क्वांटिटीज, कुछ ब्रीड्स ऐसी होती हैं शिप की जिनसे हमें मोटे कोट के हेयर मिलते हैं उनकी बॉडी पे, जो हमें बिल्कुल बहुत अच्छी क्वालिटी में और ज़्यादा क्वांटिटी में हमें वूल मिलती है। एज मैंशनड अर्लियर, दीज शिप्स आर सेलेक्टिवली ब्रीड विद वन पेरेंट बींग ए शिप ऑफ गुड ब्रीड, तो हमने पहले क्या पढ़ा था कि ऐसे अच्छे हेयर वाली भेड़ के लिए हमें अच्छे पेरेंट सेलेक्ट करने होते हैं ताकि वो हमें अच्छे भेड़ पैदा करके दे, ताकि हमें उनसे अच्छी वूल मिले। वंस द रियर्ड शिप हैव डेवलप्ड ए थिक ग्रोथ ऑफ हेयर, हेयर इज शेव्ड ऑफ फॉर गेटिंग वूल, जैसे ही हमको भेड़ बकरियों को पालते हैं वो बड़ी हो जाती हैं तो उनके एक बड़े बड़े बाल आ जाते हैं, तो उन बालों को फिर शेव कर दिया जाता है और फिर हम उनसे वूल निकाल लेते हैं। अब पढ़ते हैं प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल, अब फाइबर से वूल कैसे बनेगी वो प्रोसेस हम पढ़ेंगे। वूल विच इज़ यूज फॉर नीटिंग स्वेटर्स और फॉर वीविंग शॉल्स इज़ द फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑफ ए लॉन्ग प्रोसेस, जो वूल हम स्वेटर बुनने के लिए यूज़ करते हैं या शॉल को बनाने के लिए यूज़ करते हैं, वो एक फिनिश प्रोडक्ट होता है, यानी कि सबसे लास्ट का प्रोडक्ट होता है एक लंबे प्रोसेस के बाद। तो उस प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं वो अब हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला स्टेप है, द फ्लीस ऑफ द शिप अलोंग विद ए थिन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव्ड फ्रॉम इट्स बॉडी, तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो शिप के जो छोटे छोटे हेयर होते हैं वो किसके साथ काट लिए जाते हैं, पतली सी लेयर की स्किन के साथ हटा दिए जाते हैं उसकी बॉडी से। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड शियरिंग, और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, शियरिंग कहते हैं। मशीन सिमिलर टू दोज यूज्ड बाय बार्बर्स आर यूज्ड टू शेव ऑफ हेयर, जो नाइक यूज करता है मशीन्स को उसी तरह वूल उतारने के लिए भेड़ बकरियों पे भी उसी मशीन्स को यूज़ कर सकते हैं। यूजली हेयर आर रिमूव्ड ड्यूरिंग द हॉट वेदर, तो जो हेयर हैं वो ज़्यादातर कबूग निकाले जाते हैं गर्म मौसम में। दिस इनेबल शिप टू सर्वाइव विदाउट देयर प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर,
तो जिस वजह से जो शिप है वो गर्म मौसम में आराम से सर्वाइव कर सकती है, यानी कि ज़िंदा रह सकती है। दी हेयर प्रोवाइड वुलन फाइबर्स, तो जो हेयर होते हैं वो हमें क्या देते हैं, वुलन फाइबर्स देते हैं। वुलन फाइबर्स आर देन प्रोसेस्ड टू ऑब्टेन वुलन यार्न, फिर जो वुलन फाइबर होते हैं उनको आगे क्या बना दिया जाता है, वुलन यार्न बना दिया जाता है। शेयरिंग डज नॉट हर्ट द शिप जस्ट एज इट डज नॉट हर्ट व्हेन यू गेट ए हेयर कट और योर फादर शेव्स हिज बियर्ड, तो जब शेयरिंग करते हैं तो इससे बियर्ड को कोई नुकसान नहीं होता। जैसे हम अपने बाल कटवाते हैं या आपके जो फादर हैं वो शेव बनाते हैं, उसी तरह भेड़ बकरियों को शेयरिंग की जाती है। डू यू नो वाई, क्या आप जानते हैं, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज डेड, क्योंकि जो हमारी सबसे ऊपर वाली स्किन होती है वो डेड होती है। ऑल्सो द हेयर ऑफ शिप ग्रो अगेन जस्ट एज योर हेयर डज, जैसे हमारे बाल दोबारा उग जाते हैं वैसे ही भेड़ बकरियों के बाल दोबारा उग जाते हैं। फिर आते हैं स्टेप टू पे, द शियर्ड स्किन विद हेयर इज थ्रोली वॉश्ड इन टैंक्स टू रिमूव ग्रीस डस्ट एंड डर्ट, तो जो स्किन हमने उतारी थी बालों के साथ उसको फिर क्या करते हैं, हम बड़े बड़े टैंक्स में वॉश करने के लिए दे देते हैं ताकि हम उसमें लगी हुई ग्रीस, धूल, मिट्टी ये सब हटा सकें। और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम स्काउरिंग, तो उस प्रोसेस का नाम है स्काउरिंग। नाउएडेज स्काउरिंग इज डन बाय मशीन, तो आज के दिनों में स्काउरिंग किससे होती है, मशीन्स की मदद से। फिर है स्टेप थ्री, आफ्टर स्काउरिंग, स्काउरिंग करने के बाद यानी कि बालों को धोने के बाद सॉर्टिंग इज डन, उसके बाद सॉर्टिंग की जाती है। द हेयरी स्किन इज सेंड टू ए फैक्ट्री, तो जो हेयरी स्किन होती है यानी कि जो स्किन पे बाल लगे होते हैं उनको कहाँ भेज दिया जाता है, एक फैक्ट्री में भेज दिया जाता है। वेयर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर्स आर सेपरेटेड और सॉर्टेड, तो जो वहाँ पे क्या करते हैं, जो अलग अलग तरह के बाल होते हैं उनको अलग अलग करते हैं, उनको सुलझाते हैं। फिर आते हैं हम स्टेप फोर पे, द स्मॉल फ्लपी फाइबर्स कॉल्ड बर्स, जो छोटे छोटे गोले बन जाते हैं बालों के वो निकाल दिए जाते हैं, पिक्ड आउट फ्रॉम हेयर। दीज आर द सेम बर्स विच समटाइम्स अपीयर ऑन योर स्वेटर्स, जब कभी हमारे स्वेटर्स पे भी जो छोटे छोटे रोए बन जाते हैं गोल गोल उनको भी बर्स कहते हैं। दिस फाइबर्स आर स्काउर्ड अगेन एंड ड्राइड, फिर उन फाइबर्स को दोबारा से स्काउर किया जाता है यानी कि धोया जाता है और सुखाया जाता है। दिस इज़ द वूल रेडी टू बी ड्रोन इन टू फाइबर्स, तो ये वो वूल होती है जो फाइबर बनाने के लिए रेडी हो जाती है। फिर आते हैं हम स्टेप फाइव पे, द फाइबर्स कैन बी डाइड इन वेरियस कलर्स, जो हमारी वूल निकल आई है धो दी है उसको हम फिर अच्छे से डाई कर सकते हैं अलग अलग कलर्स में। एज द नेचुरल फ्लीस ऑफ शिप एंड गोट इज़ ब्लैक, ब्राउन और वाइट, क्योंकि जो नेचुरल हेयर होते हैं या फ्लीस होते हैं भेड़ बकरियों के वो कैसे कलर के होते हैं, या तो काले, भूरे या सफ़ेद रंग के, तो हम उनको अलग अलग तरह के कलर्स में डाई कर सकते हैं। फिर आता है स्टेप सिक्स, द फाइबर्स आर स्ट्रेटन्ड, कॉम्ब्ड एंड रोल्ड इन टू यार्न, तो जो हमारे फाइबर्स होते हैं उनको सीधा किया जाता है, कॉम्ब किया जाता है और रोल कर दिया जाता है यार्न में, यानी कि उनकी रील बना दी जाती है। द लॉन्गर फाइबर्स आर मेड इन टू वूल फॉर स्वेटर्स, जो लंबे लंबे फाइबर्स होते हैं वो किस में इस्तेमाल होते हैं, वूल मेड फॉर स्वेटर्स, जो स्वेटर बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं वूल उनसे बना दी जाती है। एंड द शॉर्ट फाइबर्स आर स्पन, और जो छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं उनको स्पन कर दिया जाता है। एंड वोवन इन टू वूलन क्लॉथ, और उनके भी वूलन क्लॉथ बना दिए जाते हैं। तो इस फिगर में देख सकते हैं आप सारा प्रोसेस, सबसे पहले इस भेड़ के बाल उतारे जा रहे हैं, फिर उन बालों को अच्छे से टैंक में धोया जाता है, फिर स्काउरिंग की जाती है मशीन्स में यानी कि उनको सुलझाया जाता है, उनमें जो रुएं पड़े होते हैं उनको साफ किया जाता है, और फिर उनको रील यानी कि यान में बदल दिया जाता है। तो इस प्रोसेस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सबसे पहले शियरिंग, फिर उसके बाद स्काउरिंग, फिर सॉर्टिंग, फिर क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स, फिर हेड डाइंग और फिर रोलिंग। तो ये पूरा प्रोसेस आपको लाइन वाइज याद होना चाहिए। इसके बाद पढ़ते हैं ऑक्यूपेशनल हैजार्ड। कभी कभी काम के टाइम पे या कुछ बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में ऐसे कोई
नुकसान हो जाते हैं, तो वुल इंडस्ट्री में भी ऐसा एक नुकसान होता है जिसको क्या कहते हैं, वुल इंडस्ट्री इज़ एन इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ लिवलीहुड फॉर मैनी पीपल। जो वुल इंडस्ट्री है वो कुछ कई लोगों के लिए ज़िंदा रहने के लिए, उनकी जीविका चलाने के लिए सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। बट सॉर्टर्स जॉब इज़ रिस्की, लेकिन जो सॉर्टर्स जॉब होती है यानी कि सॉर्टिंग करने का काम होता है वो सबसे ज़्यादा रिस्की होता है। एज समटाइम्स दे गेट इन्फेक्टेड बाई ए बैक्टीरियम एंथ्रेक्स, क्योंकि कभी कभी उनको इन्फेक्शन हो जाता है एक बैक्टीरिया से जिसका नाम है एंथ्रेक्स, विच कॉजेज ए फैटल ब्लड डिजीज़, जो क्या करती है बहुत ही ब्लड खतरनाक ब्लड डिजीज़ करती है जिसका नाम है सॉर्टर्स डिजीज़। सच रिस्क फेस्ड बाय वर्कर्स इन एनी इंडस्ट्री आर कॉल्ड ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड। तो ऐसे रिस्क जो वहाँ काम करने वाले मजदूर फेस करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड्स। अब हम पढ़ते हैं एक्टिविटी 3.4। डिबेट अमंगस्ट योर क्लासमेट्स वेदर इट इज़ फेयर ऑन द पार्ट्स ऑफ ह्यूमंस टू रेयर शिप एंड देन चॉप ऑफ देयर हेयर फॉर गेटिंग वुल। अब आपको डिबेट करनी है अपने क्लासमेट से कि क्या ये सही है कि जो ह्यूमंस हैं वो भेड़ बकरियों को पालते हैं फिर उनके बाल काट लेते हैं वुल के लिए, तो ये क्या सही है या गलत है, ये आपको डिबेट करनी है। अब हम पढ़ते हैं सिल्क के बारे में। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, वुल। सिल्क फाइबर्स आर ऑल्सो एनिमल फाइबर्स, तो सिल्क फाइबर्स क्या हैं, ये भी एनिमल फाइबर्स हैं क्योंकि ये हमें एनिमल से मिलते हैं। सिल्क वॉर्म स्पिन दी सिल्क फाइबर्स, जो सिल्क वॉर्म होते हैं यानी कि जो रेशम के कीड़े होते हैं उनसे हमें सिल्क फाइबर्स मिलती हैं। द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरी कल्चर, तो जो सारा प्रोसेस है जिसमें हम सिल्क वॉर्म से सिल्क निकालते हैं उनको पालते हैं तो उसको क्या कहते हैं, हम सेरी कल्चर। इसमें हम सिल्क वॉर्म्स को पालते हैं इसलिए हम इसे सेरी कल्चर कहते हैं। फाइंड आउट फ्रॉम योर मदर आंट ग्रैंड मदर एंड द काइंड ऑफ सिल्क सारीज दे हैव, आपको अपनी माँ से चाची से आंटी से इन सब से पूछना है कि वो किस तरह की सिल्क साड़ियाँ पहनती हैं। लिस्ट द काइंड्स ऑफ सिल्क, और उन अलग अलग तरह के सिल्क के नाम लिखने हैं। बिफोर वी डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क इट इज़ नेसेसरी टू नो द इंटरेस्टिंग लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मॉथ, तो हम सिल्क बनाने के प्रोसेस के बारे में पढ़ें। इससे पहले ये ज़रूरी है कि जो सिल्क मॉथ होती हैं वो कैसे पलते हैं, कैसे उनको इंडस्ट्री में उगाया जाता है, कैसे पाला जाता है, उन सब की लाइफ हिस्ट्री हम इसमें पढ़ेंगे। तो अब हम पढ़ते हैं लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ। द फीमेल सिल्क मॉथ लेज एग्स फ्रॉम विच हैच लार्वे विच आर कॉल्ड कैटरपिलर्स और सिल्क वर्म, जो हमारी फीमेल सिल्क मॉथ होती है वो क्या देती है, ढेर सारे अंडे देती है जिसमें से क्या निकलते हैं, लार्वे निकलते हैं जिसे हम कहते हैं कैटरपिलर्स या सिल्क वर्म्स। तो कैटरपिलर्स और सिल्क वर्म क्या है, ये लार्वे हैं। दे ग्रो इन साइज, वो साइज में बड़े हो जाते हैं। एंड वेन द कैटरपिलर इज़ रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ हिस्ट्री कॉल्ड प्यूपा, तो जब कैटरपिलर बनने के बाद वो बड़े हो जाते हैं फिर उनकी अगली स्टेज आती है जिसमें वो क्या बन जाते हैं, प्यूपा बन जाते हैं। इट फर्स्ट वीव्स ए नेट टू होल्ड इटसेल्फ, तो सबसे पहले क्या करता है, वो अपने आप को एक जाल में बुन लेता है ताकि वो अपने आप को पेड़ की पत्तियों में पकड़ के रख सके। देन इट स्विंग्स इट हेड फ्रॉम साइड टू साइड इन द फॉर्म ऑफ ए फिगर ऑफ एट, तो वो अपने सिर को एट की फॉर्म में इस तरह से हिलाना शुरू कर देता है। ड्यूरिंग दिस मूवमेंट्स ऑफ द हेड द कैटरपिलर सीक्रेट्स फाइबर्स मेड ऑफ ए प्रोटीन विच हार्डन्स और एक्सपोजर टू एयर एंड बिकम सिल्क फाइबर, ऐसा करने से जो क्या होता है उसके आसपास ये कुकून बनना स्टार्ट हो जाता है। जैसे जैसे वो अपना सिर घुमाता है उसके मुंह से सिल्क निकलना स्टार्ट हो जाता है। जैसे जैसे वो सिल्क हवा के कॉन्टैक्ट में आता है वो हार्ड होना शुरू हो जाता है और अपने आप को इस तरह से कुकून में कवर कर लेता है। फिर कुकून के अंदर ये प्यूपा डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। सून द कैटरपिलर कम्प्लीटली कवर्स इटसेल्फ बाय सिल्क फाइबर्स एंड टर्न्स इनटू प्यूपा, जल्दी जल्दी वो अपने आप को कुकून में बदल लेता है।
दिस कवरिंग इज नोन एज कुकून, और उस कवरिंग को हम क्या कहते हैं, कुकून कहते हैं। द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द प्यूपा इन टू मोथ कंटिन्यूज इन साइड द कुकून। तो क्या होता है, जो प्यूपा होता है वो कुकून के अंदर उसकी डेवलपमेंट होती रहती है। सिल्क फाइबर्स आर यूज फॉर वीविंग सिल्क क्लॉथ, जो रेशम के धागे होते हैं वो किस लिए यूज़ करते हैं हम उनको, सिल्क क्लॉथ बनाने के लिए, यानी कि रेशम के कपड़े बनाने के लिए। कैन यू इमेजिन दैट द सॉफ्ट सिल्क यार्न इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज ए कंपेरेबल थ्रेड ऑफ स्टील। क्या आपको पता है कि जो रेशम का धागा होता है वो एक स्टील के धागे से भी मजबूत होता है। द सिल्क यार्न थ्रेड इज ऑब्टेन फ्रॉम द कुकून ऑफ द सिल्क मोथ। जो सिल्क यार्न है यानी कि जो थ्रेड है यानी कि जो धागा है वो कहाँ से मिलता है हमें, कुकून से मिलता है। जो उसकी बाहर की कवरिंग होती है वहाँ से हमें कुकून मिलता है और उस कुकून से हमें धागा मिलता है। देयर इज़ ए वैरायटी ऑफ सिल्क मोथ्स विच लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। तो सिल्क मोथ होते हैं वो अलग अलग वैरायटी यानी कि अलग अलग तरह के होते हैं, तो उनका धागा भी अलग अलग तरह का होता है। उनका टेक्सचर अलग होता है, कोई खुरदुरा होता है, कोई स्मूथ होता है, कोई चमकीला होता है। दस टसार सिल्क, मूंगा सिल्क एंड कोसा सिल्क एटसेट्रा आर ऑब्टेन फ्रॉम कुकून्स स्पन बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोथ्स। तो जो ये अलग अलग तरह के सिल्क हैं ये अलग अलग तरह के कुकून्स बनाते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं अलग अलग तरह के सिल्क के। द मोस्ट कॉमन सिल्क मोथ इज द मलबेरी सिल्क मोथ। तो जब सबसे कॉमन है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है सिल्क मोथ यानी कि रेशम का कीड़ा, वो कौन सा है, मलबेरी सिल्क मोथ। मलबेरी यानी कि शैतूत। तो जो शैतूत के पेड़ पे जो सिल्क मोथ लगते हैं वो सबसे ज़्यादा अच्छा सिल्क देते हैं। द सिल्क फाइबर फ्रॉम द कुकून ऑफ दिस मोथ इज सॉफ्ट लस्चरस एंड इलास्टिक एंड कैन बी डाइड इन ब्यूटिफुल कलर्स। तो जो हमें सिल्क फाइबर मिलता है इस कुकून से वो कैसा होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत ही चमकीला होता है और बहुत ही लचकीला होता है, और उसको हम अलग अलग तरह के कलर्स में डाई कर सकते हैं। सेरीकल्चर और कल्चर ऑफ सिल्क वर्म्स इज़ ए वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया। जो सेरीकल्चर है, जिसको क्या कहते हैं हम, रेशम के कीड़ों को पालना, वो सबसे पुराना को ऑक्यूपेशन है यानी कि धंधा है इंडिया में। इंडिया प्रोड्यूसेस प्लेंटी ऑफ सिल्क ऑन ए कमर्शियल स्केल। तो इंडिया में बड़े ही स्केल पे यानी कि बहुत ही बड़ी क्वांटिटीज़ में सिल्क बनाया जाता है। अब हम पढ़ते हैं एक्टिविटी 3.5। तो इस एक्टिविटी में कह रहा है, कलेक्ट पीसेज ऑफ सिल्क मोथ सिल्क क्लॉथ ऑफ वेरियस टाइप्स एंड पेस्ट देम इन योर स्क्रैप बुक। आपको अलग अलग तरह के सिल्क क्लॉथ लेने यानी कि अलग अलग तरह के रेशम के कपड़े लेने हैं और उनको अपनी स्क्रैप बुक में चिपकाना है। यू कैन फाइंड देम इन ए टेलर्स शॉप अमंग द हिप ऑफ वेस्ट कट पीसेस। आप ये अपने टेलर के दुकान पे भी देख सकते हैं जहाँ पे वो अलग अलग तरह के टुकड़े काट के रखता है। इन इंडिया वुमेन आर सिग्निफिकेंटली इन्वॉल्व इन वेरियस काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शन। इंडिया में जो वुमेन होती है वो ढेर सारी अलग अलग तरह की कंपनियों में अलग अलग तरह के कामों में लगी होती हैं। दीज आर रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स, चाहे वो सिल्क वर्म्स को पालना हो, रीलिंग ऑफ सिल्क फ्रॉम कुकून्स, कुकून्स में से सिल्क को निकालना हो, एंड प्रोसेसिंग ऑफ रॉ सिल्क इनटू फैब्रिक्स, फिर उस कच्ची सिल्क को कपड़ों में बदलना हो, वो सारा काम औरतें करती हैं। बाय देयर एंटरप्राइज दे कंट्रीब्यूट टू द नेशंस इकोनॉमी। तो जो अपने योगदान से वो हमारी नेशंस की इकोनॉमी को बढ़ा रही हैं। चाइना लीड्स द वर्ल्ड इन सिल्क प्रोडक्शन। जो चाइना में है सबसे ज़्यादा सिल्क प्रोडक्शन होता है वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा। इंडिया ऑल्सो रैंक्स अमंग द लीडिंग सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़। इंडिया जो है उसने भी सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ में अपनी जगह बनाई है। अब हम पढ़ते हैं फ्रॉम कुकून टू सिल्क। अब हमें कुकून तो मिल चुका है, अब उससे सिल्क कैसे बनता है वो सब हम पढ़ेंगे। फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क, सिल्क बनाने के लिए मोथ्स आर रियर्ड। अब मोथ्स यानी कि जो वो प्यूपा बने थे उनको हम पालेंगे। एंड देयर कुकून्स आर कलेक्टेड टू गेट सिल्क थ्रेड्स। और उनके जो कुकून बने थे उनको कलेक्ट करेंगे और उन कुकून से फिर हम धागे निकालेंगे। अब पढ़ते हैं रियरिंग सिल्क वर्म्स।
कि सिल्कवर्म्स को कैसे पाला जाता है। ए फीमेल सिल्क मोथ लेज हंड्रेड्स ऑफ एग्स एट ए टाइम। जो फीमेल सिल्क वर्म होती है वो ढेर सारे हज़ारों मतलब कि सैकड़ों अंडे देती हैं। दी एग्स आर स्टोर्ड केयरफुली ऑन स्ट्रिप्स ऑफ क्लॉथ और पेपर। जो एग है वो ध्यान से कपड़े पे या पेपर पे निकाले जाते हैं एंड सोल्ड टू सिल्क वर्म फार्मर्स। और फिर किनको बेच दिया जाता है, जो उन सिल्क वर्म्स को फार्मर्स उगाते हैं बेचते हैं उनको बेच दिया जाता है। दी फार्मर्स कीप एग्स अंडर हाइजीनिक कंडीशंस। और जो किसान होते हैं वो उन अंडों को साफ़ सुथरी जगह पे रखते हैं एंड अंडर सुटेबल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। और ऐसे साफ़ सुथरी जगह और ऐसे आरामदायक जगह पे जहाँ पे अच्छा सा टेम्परेचर हो और अच्छी खासी ह्यूमिडिटी हो। दी एग्स आर वार्म्ड टू ए सुटेबल टेम्परेचर फॉर दी लार्वा टू हैच फ्रॉम एग्स। फिर उन एग्स को हल्का गर्म किया जाता है सुटेबल टेम्परेचर पे ताकि जो लार्वे हैं वो हैच हो सके एग्स में से। दिस इज़ डन व्हेन मलबेरी ट्रीज बियर ए फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव्स। तो ऐसा कब करते हैं, जो शहतूत के पेड़ होते हैं उन पे फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव्स यानी कि ताजे ताजे पत्ते लगे होते हैं। द लार्वा कॉल्ड कैटरपिलर्स और सिल्क वर्म्स ईट डे एंड नाइट एंड इंक्रीज इनॉर्मसली इन साइज। और जो लार्वे होते हैं जिनको हम कैटरपिलर या सिल्क वर्म कहते हैं वो दिन रात पत्ते खाते हैं और साइज में बड़े हो जाते हैं। इस फिगर में देखिए, ये है फीमेल सिल्क वर्म, फिर ये है मलबेरी ट्री, और इसमें जो लार्वे हैं वो जिसको हम कैटरपिलर या सिल्क वर्म कहते हैं वो मलबेरी के पत्तों पे रहते हैं और उनको खाते हैं, फिर वो बड़े हो जाते हैं इन्हें खा के और कुकून में बदल जाते हैं। दी लार्वे आर केप्ट इन क्लीन बैम्बू ट्रेज अलोंग विद फ्रेशली चॉप्ड मलबेरी लीव्स। जो लार्वे होते हैं उन्हें कहाँ रखते हैं, साफ़ सुथरे बैम्बू ट्रेज में अलोंग विद फ्रेशली चॉप्ड मलबेरी लीव्स, और साथ ही साथ छोटे छोटे मलबेरी के पत्तों को काट के रखते हैं। आफ्टर 20 to 30 days, 25 to 30 दिनों के बाद The caterpillars stop eating and move to a tiny chamber of bamboo in a tray to spin cocoons. फिर जो 25 से 30 दिन के बाद caterpillars खाना छोड़ देते हैं और cocoon बनने के लिए एक बैम्बू की छोटी सी जगह पे चले जाते हैं जहाँ पे उनको cocoon बनना होता है। Small racks or twigs may be provided in the trays to which cocoons get attached. तो छोटे छोटे रैक बना दिए जाते हैं या फिर छोटी छोटी डालें लगा दी जाती हैं ट्रेज में ताकि जो कुकून है वो वहाँ जाके अटैच हो सके। दी कैटरपिलर और सिल्क वर्म स्पिन्स द कुकून इनसाइड विच डेवलप्स द सिल्क मोथ। तो जो कैटरपिलर या जो सिल्क वर्म होते हैं वो कुकून बनाना स्टार्ट कर देते हैं और उसके अंदर क्या बनता है, फिर सिल्क मोथ डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। अब बात करते हैं प्रोसेसिंग सिल्क की। अब सिल्क कैसे लेते हैं, ए पाइल ऑफ कुकून्स इज यूज फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर्स। हमें ढेर सारे कुकून चाहिए होते हैं ताकि हम उनसे सिल्क फाइबर्स बना सकें। द कुकून्स आर केप्ट अंडर द सन और बॉइल्ड और एक्सपोज टू स्टीम। या तो हम उन कुकून्स को सन में रख देते हैं यानी कि धूप पे रख देते हैं, या फिर उनको हम उबालते हैं, या फिर हम उनको भाप देते हैं। द सिल्क फाइबर्स सेपरेट आउट, जिससे कि जो सिल्क फाइबर्स हैं वो उनसे अलग हो जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स फ्रॉम कुकून फॉर यूज एज सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग द सिल्क। तो जो ये सारा प्रोसेस है जिसमें हम कुकून से थ्रेड यानी कि धागे लेते हैं ताकि हम उनसे सिल्क बना सके, तो सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रीलिंग द सिल्क। रीलिंग इज डन इन स्पेशल मशीन्स विच अनवाइंड द थ्रेड्स और फाइबर्स ऑफ सिल्क फ्रॉम द कुकून। तो जो रीलिंग है वो किसकी मदद से होती है, कुछ स्पेशल मशीन्स होती हैं विच अनवाइंड जो थ्रेड्स यानी कि जो धागे थे या फाइबर्स थे उनको वो सुलझाते हैं कुकून से। सिल्क फाइबर आर देन स्पन इनटू सिल्क थ्रेड्स। फिर क्या होता है, जो सिल्क होता है कुकून से निकाल लिया जाता है फिर उनको थ्रेड यानी कि धागों में बदल दिया जाता है। विच आर वोवन इनटू सिल्क क्लॉथ बाय वीवर्स। फिर जो कपड़ा बुनने वाले होते हैं उन सिल्क से कपड़ा तैयार कर देते हैं।
तो ये था हमारा आज का चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक। अगर आपको ये चैप्टर समझ आया हो, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।